नमस्कार बीचा उनकी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए एक नजर डालते हैं बॉलीवुड की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म तेजस काफी समय से चर्चा में है। इसकी रिलीज के साथ ही लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। फिल्म ने सिनेमा घरों में दस्तक दे दी है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद ही लोग सोशल मीडिया पर मूवी को लेकर रिएक्शंस दे रहे हैं। इसकी कहानी से लेकर कंगना की एक्टिंग तक सभी को काफी पसंद आ रही है। इसमें बॉलीवुड क्वीन ने तेजस दिल की भूमिका अदा की है। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर फिल्म बागी फेल से है। इसमें विक्रांत मैसी ने लीड रोल प्ले किया है। दोनों ही फिल्में सच्ची घटना से प्रेरित है। कंगना की फिल्म में तेजस दिल की कहानी देखने के लिए मिलेगी और विक्रांत की फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें देखना दिलचस्प होगा कि दोनों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता का झंडा लहराती है। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा आखिरकार मुंबई पहुंच गई और शुक्रवार सुबह उन्हें मुंबई हवाई अड्डे पर देखा गया। अभिनेत्री जियो मामी मुंबई फिल्म महोत्सव की शुरुआती रात के लिए मेजबान की भूमिका निभाएंगी जो 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच होगा। अभिनेत्री मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंची तो वह पूरी तरह से काले रंग की पोशाक में आकर्षक लग रही थी। साथ ही उन्होंने अपनी प्यारी सी बेटी मालती मैरी के नाम वाला नेकलेस पहन रखा था जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अंकिता लोखंडी और विकी जैन बिग बॉस 17 के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट्स में से एक हैं। अंकिता टीवी की फेमस एक्ट्रेस है और एकता कपूर के शो में लीड रोल निभाने के लिए जानी जाती हैं। हालांकि बिग बॉस के घर में उनकी एक अलग ही पर्सनालिटी देखने को मिल रही है। बिग बॉस 17 में अंकिता लोखंडी की सबसे पहले लड़ाई खानजादी से हुई थी। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई थी कि इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी हुई थी। वीकेंड का बाद में सलमान खान ने बताया कि इस सारे झगड़े के पीछे मास्टरमाइंड विकी जैन का दिमाग था। सलमान खान ने अंकिता लोखंडे से बात की और शो में उनके परफॉर्मेंस की अपडेट दी। सलमान ने एक्ट्रेस से कहा कि बिग बॉस के घर में वो अपनी पहचान खो रही हैं। होस्ट ने विकी को एक्सपोज करते हुए बताया कि खानजादी को उन्होंने ही लड़ने के लिए उकसाया था। बॉलीवुड को जल्द ही एक और स्टार किड मिलने वाला है। जी हां, इस बार मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के बेटे जुनैद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। अब जानकारी सामने आई है कि उनकी डेब्यू फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। जुनैद खान की डेब्यू फिल्म का नाम महाराज है। इस फिल्म में उनके साथ फीमेल लीड में शालिनी पांडे है। एक्ट्रेस ने अपडेट शेयर किया कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने जुनैद खान के साथ काम करने का अनुभव शेयर किया। पीछाओं की ग्लैमरस हीरोइनों में से एक नाम गदर की सीधी साधी सकीना उर्फ अमीषा पटेल का भी है जो अपने हुस्न से चाहने वालों को घायल करने का कोई मौका नहीं गवाती है। सोशल मीडिया पर बोल्डनेस का जलवा बिखेरने वाली अमीषा का नया हॉट वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अमीषा पटेल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना नया वीडियो शेयर किया है जिसमें वह अपनी कातिल अदाओं से जलवे बिखेरती हुई दिखाई दे रही हैं। 26 अक्टूबर को शेयर किया गया ये वीडियो अमीषा पटेल की कई तस्वीरों को मिलाकर बनाया गया है। एक्ट्रेस अलग अलग पोज देकर पोज दे रही हैं। डीप नेक टॉप के साथ ब्लैक जीन्स और रेड जैकेट में अमीषा कहर बरपा रही हैं।